मोदी के जर्मनी दौरे को लेकर वहां बसे भारतीय बेहद एक्साइटेड हैं। आपने होटल के अंदर भारतीयों का मूड देखा, होटल के बाहर भी पूरा माहौल मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा है। देवेंद्र पराशर ने वहां से भी एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होटल के ठीक बाहर ये नारेबाजी चल रही है। मोदी 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 मोदी। ये सारे लोग नारेबाजी कर रहे हैं और तेज तेज नारेबाजी कर रहे हैं, और इन लोगों से हम बातचीत करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अंदर आए, कैसा अनुभव रहा और भारत जर्मनी के रिश्तों में क्या कुछ बदलाव की उम्मीद है आप लोगों को है यहाँ इस दौरे से? प्रधानमंत्री जी के दौरे से हमारे को बहुत ज्यादा आशाएं हैं, क्योंकि आज जो मीटिंगें होने जा रही हैं उनसे हमें लग रहा है कि भाई जो है जर्मनी और इंडिया काफी नजदीक आएंगे। 70 साल हम अपने फ्रेंडशिप के पूरे कर रहे हैं जर्मनी के साथ, तो ये विशेष मौका है कि इस टाइम में यूरोपियन यूनियन और जर्मनी जो पूरी तरह से जो है इंडिया के साथ जो है आगे कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने के लिए जो है वो प्रेरित हैं इस टाइम में। थैंक यू। रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और ऐसे में यूरोप का एक बड़ा कंसर्न रहता है उस मसले को लेकर। भारत ने अपनी पोजिशनिंग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से की, आप लोग कैसे मैसेज देखते हो भारत की पोजिशनिंग को लेकर रूस यूक्रेन लड़ाई के संदर्भ में? देखिए जो है हमारे जो है विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया कि जब हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए कि भाई जो है हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि जनवरी से आज तक जितना ऑयल इंडिया ने इंपोर्ट किया है वो जो है जर्मनी का आफ्टरनून जो है डाइट है। ओनली एक आफ्टरनून में जितना, मतलब कि दोपहर से शाम तक जितना जर्मनी इंपोर्ट करता है उतना किया है, तो इतना शोर ज्यादा है, लेकिन जो वो एक तरह से कोई उसका बेस नहीं है। तो कैसे देखते हो उस स्टेटमेंट को यहाँ पे और क्या मैसेजिंग है यहाँ पे, जर्मन लोग कैसे देखते हैं? आई एम रियली एक्साइटेड टू सी व्हाट अवर पीएम हैज टू से अबाउट दैट, एंड आई एम श्योर दैट देर विल बी अ स्ट्रैटेजिक स्टेटमेंट फ्रॉम अवर पीएम एंड देर विल बी अ बैलेंसिंग एक्ट ऑल्सो बिकॉज वी हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद जर्मनी, यूरोप, एंटायर एशिया, रशिया रीजन ऑल्सो, सो आई वुड से दैट वी हैव टू वेट फॉर दैट, लेट्स नॉट कमिट। बेसिकली क्या है कि जो भी हमारे सारे इंडियंस यहाँ पर कमेंट डायस्पोरा इंडियंस पर, हम लोग जो यूक्रेन में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी यहाँ पर रिफ्यूजी आ रहे हैं, हम सबकी सब लोग मिलकर बहुत हेल्प कर रहे हैं और हम सब लोग शांति के प्रतीक हैं, हम लोग शांति चाहते हैं और हम सब लोग मिलकर हेल्प कर रहे हैं यूक्रेन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को ये कहते हैं कि भारत दुनिया के कल्याण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने को हमेशा तैयार रहता है, देता है, आगे भी वो जारी रहेगा, शांति का पक्षधर है, विकास का पक्षधर है। डेवलपमेंट पैरामीटर पे पीएम मोदी की छवि इंडियन डायस्पोरा कैसे देखती है विदेश में? बहुत आगे देखती है, हम लोग खुद महसूस करते हैं। 42 साल हमें यहाँ हो गए, आज मैं देखता हूँ जितनी हमारी इज्जत हिंदुस्तान की यहाँ बढ़ी है पहले वो नहीं थी, और जो उन्नति हम हर जब भी जाते हैं हर 2 साल बाद बहुत चेंज नजर आता है हिंदुस्तान में। बात यह टाइम लगता है हर चीज में ठीक होने में, और वो उन्नति हो रही है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप कब से हैं यहाँ? मेरे को 42 साल हो गए जी। क्या करते हैं आप? मेरा रेस्टोरेंट लाइन है। क्या बदलाव आता है आपको लगता है भारत की छवि में, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से काम करते हैं? पहले जब हम एयरपोर्ट पर जाया करते थे ना, वहां जाते हुए डर लगता था, हर आदमी कोशिश होती कि कुछ ले लूं, लेकिन आप जाते हैं अब हम एयरपोर्ट पे ऐसा लगता है कि आप यूरोप में कहीं खड़े हैं। सर्विस, हर चीज, सफाई, जो चीज खासतौर से सफाई दिल्ली में, मैं दिल्ली से हूँ, इतनी सफाई पहले कभी नहीं दिखती जितनी अभी समय दिखती है, और लोग भी जो है जागरूक हो गए हैं। मैंने एक स्कूटर वाले से कहा कि भाई चलोगे? बोला ही जरूर। मैंने कहा हिंदुस्तान तो अलग है, नहीं लोग बदल रहे हैं, और ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। और यार विदेशों में इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं वो किस चीज से प्रभावित रहते हैं यहाँ पे दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मैसेजिंग करते हैं उसे लेकर? प्रभावित तो रहते ही है, क्योंकि हम लोगों की इज्जत भी बढ़ रही है यहाँ पे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक आर्टिकल आया था एक जमाने यहाँ पे, इंडिया ए कंट्री विदाउट होप, फिर एक आर्टिकल मैंने एक मैगजीन में पढ़ा कि हाउ कैन बिकम ए इंडियन। तो ये चेंज है, ये चेंजेस देखने को मिलते हैं 20-30 साल समय अर्थ में, और एक्चुअली टाइम लगता है हर चीज में, बढ़ रहा है लेकिन टाइम लगेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।